आज जो चीज़ हमने स्टडी करनी है दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर टू। और ये दूसरी जो प्रॉपर्टी है जिसको हमने आज देखना है दैट इज द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। आपने एक सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल्स डाले सोल्यूट के, ये चीज़ डिफाइन करेगी कि हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है और कितना उसमें फ़र्क आएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि जब भी एक सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में जाएगा और उसका सोल्यूशन बनेगा तो इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी एलिवेटेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, वो अपने प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ वापस अपने चैप्टर नंबर 4 के कॉन्सेप्ट के ऊपर। चैप्टर नंबर 4 में हमने बॉइलिंग का प्रोसेस पढ़ा था। अब उस कॉन्सेप्ट को आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है। बॉइलिंग उस वक़्त होती थी व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर। और आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होगा। द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर। तो आपका जो लिक्विड होता है उस टेम्परेचर के ऊपर वो बॉयल करना शुरू कर देता है, एंड दैट टेम्परेचर एट विच एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी पुरानी बात थी, इसको यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब ये था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, के एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्यों आती है, उसकी साइंस जो है, उसकी जो केमिस्ट्री है, वो आप आसानी से जो है वो समझ सकेंगे। अब पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है जब भी अ सोल्यूट इज एडेड इन टू अ सॉल्वेंट एंड दे मिक्स टुगेदर टू गिव अ होमोजेनियस सोल्यूशन। तो आपके पास इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, और इसकी जो डिटेल थी वो हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में स्टडी की थी। अब सपोज करें हम एक ग्राफ की मदद से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस जिसके ऊपर हम टेम्परेचर लेंगे, एंड दिस इज द वाई एक्सिस जिसके ऊपर हम वेपर प्रेशर अपना ले लेंगे। अब सपोज करते हैं कि हमारा एक सॉल्वेंट है ए। अब सॉल्वेंट जो है आपका वो इस पॉइंट के ऊपर, ये उसका वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का। पी नॉट इज रिप्रेजेंटिंग द प्योर सॉल्वेंट ऑफ द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ए। अब ये टेम्परेचर है हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर। हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, हमारे पास वेपर प्रेशर बढ़ता गया और एक कर्व जो है वो मेरे पास आ गई कुछ इस तरह की। टेम्परेचर जब थोड़ा था तो वेपर प्रेशर इतना था, अब टेम्परेचर बढ़ाते गए हम आगे एक्स एक्सिस में, वेपर जो प्रेशर जो है वो बढ़ता गया। फिर एक वक्त आया कि वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू दी एक्सटर्नल प्रेशर। ये जो है आपके पास वेपर प्रेशर बढ़ता 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 प्योर सॉल्वेंट के यहाँ तक पहुँच गया। दिस इज द पॉइंट जिसके ऊपर आपका यहाँ पे जो टेम्परेचर निकलेगा, सपोज इट इज T1, तो या ये जो है ये आपके पास जो T1 है ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आपका प्योर सॉल्वेंट ए जो है, प्योर सॉल्वेंट ए दिस विल बॉयल। इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड कर देता हूँ।
इसको हम फिर से देखते हैं। हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट ए था, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के ये उसके इक्वल आ गया जो कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है। और इस टेम्परेचर के ऊपर आपके पास जो आपका सॉल्वेंट ए है जो कि अभी प्योर है, ये बॉयल करेगा। तो दिस टी वन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब आपने क्या किया, आपने इस ए के अंदर सोल्यूट डाला। नाउ यू हैव अ सोल्यूशन ऑफ ए। अब आपके पास ए का एक सोल्यूशन मौजूद है। नाउ पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि सोल्यूशन बनने की शक्ल में आपके पास वेपर प्रेशर में कमी वाक़या हो जाती है। वेपर प्रेशर इज़ डिक्रीज्ड, इज़ लोअर्ड, उसके अंदर लोअरिंग हो जाती है वेपर प्रेशर की। नाउ जब मैंने सोल्यूशन बनाने के बाद ये वाली जो लाइन थी ये मेरे पास थी सॉल्वेंट की, प्योर सॉल्वेंट की। अब मैं इस सोल्यूशन का कर्व बनाऊंगा, इस सोल्यूशन ऑफ ए का। सोल्यूशन ऑफ ए का कर्व जो है वो मेरे पास बनेगा जब के क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया होगा। ये लाइन आएगी कुछ इस तरह की। क्यों? अब वेपर प्रेशर जो है पहले इस टेम्परेचर के ऊपर, सपोज ये टेम्परेचर था जी 30 डिग्री सी का, इस टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का इतना था, सोल्यूशन बनाने की वजह से वो कम होगा, तो कम होने की वजह से वो इस लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है दिस इज द लाइन ऑफ सोल्यूशन। और आपको पता है कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है सोल्यूशन में, तो अब वेपर प्रेशर कम हो गया, लिहाजा ये कर्व पूरे का पूरा ऐसे जाएगा। अब जाहिर सी बात है इस सोल्यूशन ने बॉयल करना है, और बॉयल ये कब करेगा, जब ये वाली लाइन जो है ये जाके इस पी नॉट को, इस पॉइंट को टच करेगी। अब ये लाइन चूंकि नीचे है और ये लाइन इसको जाके यहाँ पे टच करेगी, तो इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर होगा हमारे पास T2, और ये जो T2 है दिस इज नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ गया सॉल्यूशन का। इसको दोबारा से मैं समराइज कर रहा हूँ। वी हैड अ सॉल्वेंट ए, ये ए सॉल्वेंट की, प्योर सॉल्वेंट की हमने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के अगेंस्ट कर्व हमने ड्रॉ किया। ये कर्व इस तरह का आया, ये जाके प्योर सॉल्वेंट पे जब मिलेगी उस टेम्परेचर T1 के ऊपर आपका प्योर सॉल्वेंट बॉयल कर जाएगा, वो उसका बॉयलिंग पॉइंट होगा। फिर हमने उसके अंदर ए सोल्यूशन डाल दिया, उसके अंदर सोल्यूट डाला और सोल्यूशन बन गया ए का। फिर हमने उस सोल्यूशन का कर्व तैयार किया। अब सोल्यूशन जब बन जाएगा तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहती थी कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसकी जो कर्व है वो प्योर सॉल्वेंट से नीचे आएगी, क्योंकि वेपर प्रेशर अब कम होगा, कम होगा। और इस कर्व को हम ड्रॉ करेंगे। अब ये सोल्यूशन है और इसने बॉयल करना है, तो ये बॉयल सिर्फ उसी सूरत में करेगा जब इसका वेपर प्रेशर जो है इसको जाके टच करेगा, इसके प्योर सॉल्वेंट के वेपर को, यहाँ तक पहुँचेगा, और इसके अक्रॉस जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर होगा उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। नाउ आपको इसको देखते हुए पता लग रहा है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हमें ये पता लगा कि जब भी आप किसी प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और यही चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं कि एलिवेशन आ जाती है इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अब क्लियर होगा कि किसी भी सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज क्यों आता है। दिस इज T2 इज ग्रेटर देन T1, ताकि जो है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। अब डिफरेंस बिटवीन द टू टेम्परेचर्स, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू द डेल्टा TB, इसको हम कहते हैं दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टेम्परेचर्स। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा T2 माइनस T1 के। अब ये जो डिफरेंस इन टू टेम्परेचर है, या ये जो डेल्टा TB है जिसको हम आम जुबान में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब है कि इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। तो मतलब क्या है कि ये उसकी मोलैलिटी पे डिपेंड करेगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ए एक सैंपल है, दूसरा सैंपल बी है, दिस इज़ 2 मोलल सॉल्यूशन है एंड दिस इज़ 3 मोलल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि 3 मोलल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल जो से हैं वो ज़्यादा हैं 2 मोलल सॉल्यूशन के निस्बत। तो यहाँ से हम जो चीज़ अखज़ कर रहे हैं वो ये है कि डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैलिटी ऑफ दी सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है कि मोलैलिटी, जितनी मोलैलिटी ज़्यादा होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा। तो डेल्टा टी बी जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्मॉल एम, जिसको हम मोलैलिटी से शो करते हैं। नाउ डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। आपको बताया कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है इक्वालिटी में चेंज करते हैं, वी ऐड सम कांस्टेंट, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो वही वाला कांस्टेंट होगा जिसकी बात हमने कोलिगेटिव वाले टॉपिक में की थी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। नाउ दिस के बी इज़ दी एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, जिसको हमने शुरू में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हुए इसको डिस्कस किया था। तो दिस इज़ के बी जो कि इस इक्वेशन में जो है हमारे पास आ जाएगा। तो दिस इज़ दी फाइनल इक्वेशन नंबर 8 ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ से हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाल ली कि एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी के बी कॉन्स्टेंट, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने स्मॉल एम के साथ जो कि उसकी मोलैलिटी है। नाउ अब हम चलते हैं इस एम की तरफ, इस एम को लेके हम जो है वो आगे जाएंगे। अब आप इस चैप्टर के स्टार्ट में जाएं, मोलैलिटी को रिवाइज करें। मोलैलिटी क्या कहती थी? मोलैलिटी कहती थी जी कि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यही कहती थी मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को फार्मूले को मैं एक्सपेंड करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं ये, तो ये बराबर होंगे जी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय दी मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 1 kg सॉल्वेंट। अब इसको मैं जो है लिखूंगा इस तरह से, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1/1 kg ऑफ सोलवेंट। अब इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा, तो सोल्यूट हम हमेशा X2 जो लेते थे दैट वाज दी मोलर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, 2 जो था वो सोल्यूट के लिए इस्तेमाल हो रहा था, अगर आप रिकॉल करें पिछले टॉपिक्स को। तो मास ऑफ सोल्यूट विल बी दी W2, मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल बी दी M2। अब 1/kg ऑफ सोलवेंट, ये मास है सोलवेंट का, दिस विल बी इक्वल टू दी W1, और केजी में है, नॉर्मली हमें ये ग्राम में मिलेगा, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास आंसर आ जाए केजीज में। अब जो है ये सारी चीज़ जो है ये मोलैलिटी है, दिस इज एम इज इक्वल टू दिस, तो एम जो है हमारे पास दैट कम्स आउट टू बी W2/M2 इंटू 1/W1/3
1000, ये 1000 ऊपर आ जाएगा और m मेरे पास हो जाएगा 1000 W2 ओवर M2 इंटू W1। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ द मोलैलिटी। अब हम चलते हैं अपनी बेस इक्वेशन की तरफ जो हमने डिराइव की, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और ये एम जो है इसको अब हम उठा के इधर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो डेल्टा टी बी जो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज इक्वल टू नाउ के बी मल्टीप्लाई बाय 1000 W2 ओवर M2 इंटू W1। तो ये हमारे पास बेसिकली इक्वेशन आ गई किसी भी सोल्यूट की, डेल्टा टी बी फाइंड आउट करने की, के कोई भी जो होगा हमारे पास सोल्यूट जब ऐड करेंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितनी आएगी। नाउ दिस इक्वेशन इज ऑल्सो यूज फॉर डिटर्मिनिंग द मोलर मास। इट इज यूज फॉर डिटर्मिनिंग फॉर डिटर्मिनिंग द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। अगर आप अपना पिछला टॉपिक रिकॉल करें जिसमें हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ी थी, उसके अंदर भी हमने उसकी इक्वेशन को इस्तेमाल किया था फॉर फाइंडिंग आउट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो कि क्या था, M2। तो अब हम इस इक्वेशन को M2 के लिए इक्वेट कर लेते हैं। तो M2 को मैं उधर ले जाऊंगा और डेल्टा टी भी इधर आ जाएगा, तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी M2 इज इक्वल टू के बी ओवर डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई बाय W2 ओवर W1 इंटू 1000। तो दिस इज़ द इक्वेशन जिसको हम एक एग्जांपल में भी इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमें फॉर एग्जांपल एक गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ हमें एक गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया जाता है और वो कहते हैं जी इस सॉल्यूट का आपने मॉलिक्यूलर मास हमें बताना है, तो इस इक्वेशन की मदद से वी विल बी एबल टू फाइंड इट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो स्टडी किया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम इस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने का तरीका, प्रैक्टिकल जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, वो देखेंगे कि हम डेल्टा के बी जो है, डेल्टा टी बी जो है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका इक्विपमेंट होता है और उस इक्विपमेंट के इस्तेमाल का तरीका हम जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो समझेंगे, और इस इक्वेशन जो हमने डिराइव की उसकी एप्लीकेशन के तौर पे एक एग्जांपल भी हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक।